हेलो एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पनीर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक अलग टाइप का पनीर मसाला है जिसका स्वाद खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप जिसे भी बना के खिलाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पनीर मसाला बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के रख लिए हैं। अब इसके लिए एक मसाले का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज यहाँ पे दो बड़े साइज़ का मैंने प्याज डाला है। अगर आपके छोटे प्याज हैं तो आप तीन प्याज इसमें लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के डाल सकते हो। और प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जैसे आप बिरयानी के लिए प्याज को फ्राई करते हो, जैसा कलर होता है वैसा। तो देख सकते हो आप, ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। तो मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दिया है। इसे भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज के साथ अदरक लहसुन प्याज सारा कुछ फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसे मैं एक प्लेट में ऐसे निकाल के रख लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल के रख लिया है। अब इसको ठंडा करेंगे, फिर इसका पेस्ट बना देंगे बिना पानी डाले। तो आप देख सकते हो बिना पानी डाले मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया है। अब उसी तेल में जिसमें फ्राई किया था उसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, एक तेज़पत्ता डालेंगे और फिर इसमें जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो इसको अच्छी तरह से चटक जाने देंगे। जब ये चटक जाएगा तो इसमें हल्दी और मिर्ची का पाउडर डालेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत ही अच्छा आता है अगर आप तेल में डालेंगे तो। तो ये मैंने डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे धनिया और जीरे का भी पाउडर डाला है, उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। प्याज के पेस्ट को डाल के बस 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैंने भून लिया है। अब ये टमाटर का पेस्ट है, इसे भी डाल देंगे। ये 2 टमाटर का पेस्ट है जो मैंने बना के रख लिया था, उसे भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक डाल के इसको मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। तो ये मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे और इसमें दही डालेंगे। तो 2 बड़ा चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है। अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आप बिना दही के भी बना सकते हो। दही डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। तो मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा भी पानी डाल सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा थिक बना रही हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पनीर को फ्राई करके नहीं डाला है, ऐसे ही डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इसे डालने के बाद सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे। तो मैंने इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लिया है। तो अब ये पनीर की सब्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हो इसको मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से और इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि देसी घी से लास्ट में डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। देसी घी डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक बोल ले लेंगे, उसमें से निकाल के रख लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। एकदम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होता है वैसे ही सब्जी बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।